इट्स माय बर्थडे ब्रो, इतनी बड़ी पार्टी थ्रो कर रहे हो अपने बर्थडे। बर्थडे गर्ल अपना केक खुद ही पकड़ के जा रही है। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल। पागल हो गई हूँ थोड़ी सी एडिटिंग कर करके ना, इतनी पागल हो गई हूँ। और इतने दिन बाद इतना अच्छा इंट्रो दे रही हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील कर रही हूँ। आज ही मैंने बारात वाला ब्लॉग डाला है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ अब पहले, लेकिन पेंडिंग ब्लॉग आएंगे फिर ही ये ब्लॉग आएगा। बट आज है 24th of November और आज कुछ स्पेशल है, आज कुछ स्पेशल है जो मेरे लव्ड वंस हैं वो जानते हैं। आज मेरा बर्थडे है और कोई सोचेगा अपने बर्थडे में इतनी एक्साइटेड कैसे हो रही है। आज मेरा बर्थडे है पर ब्लॉग के लिए मैंने अच्छी मतलब शुरुआत की, बट मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि प्रिया दीदी और जीजू गए हैं घूमने के लिए। पर प्रिया दीदी ने मुझे बहुत बार कॉल की है और रात को केक भी कट हुआ है, उसका व्लॉग नहीं ले पाई मैं। अब भी आपको दिखाती हूँ। अबी ने और अंकू नेशु सब ने मिलकर मेरा केक कटवाया प्रिया दीदी ने वीडियो कॉल पे, पर मैं वो ले नहीं पाई क्योंकि वो सब वीडियो कॉल पे थे ना उस टाइम पे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। हाँ, केक की मम्मा बोल रही है केक की फोटो ला लेना। और मम्मा ये क्या आ गई, एक मिनट, केक इसके लिए काटा बट फोटो नहीं ले पाई। एक मिनट, अब मैं मम्मा से भी मिलवाती हूँ, मम्मा से सॉरी भी बोलनी है क्योंकि बारात वाले व्लॉग में मम्मा आई नहीं है। एक मिनट, ये पहले केक, ये मेरा रात का केक कटा हुआ और ये हूँ मैं। अभी बस बाल धोए, एक ट्रेजेडी भी हुई है बाद में दिखाऊंगी, ये वाली मम्मा को नहीं पता है। और इधर आओ मम्मा, इधर आओ, थोड़े से बताऊंगी अभी आपको। मेरे को बताना पहले। मम्मा टेंशन में आ गई, टेंशन में क्या था, फिर आप हेलो करना अच्छे से, पर आपको कुछ दिखाती हूँ, रुक जाओ एक मिनट, इधर आओ कुछ दिखाती हूँ आपको, पहले ही पता चल गया। कहाँ टूटे सारे नेल हैं, हटाओ। क्या हो गया मम्मा, आज मेरा बर्थडे और मेरा नेल टूट गया। मैं ड्रामे नहीं कर रही हूँ, ये मैंने मम्मा को दिखाना था। मैं नहा रही थी और मैं बाल बांध रही, अब पता नहीं ब्लर क्यों आ रही हूँ। एक मिनट, गिर गया नीचे। कहाँ गया, गिर गया कहाँ गया, एक गया। गाइस मेरा नेल टूट गया और वो भी ये वाला टूट गया, मैं कैसे करूँ। और आज ये देखो कितना अच्छा लग रहा था मेरे इसके साथ में, ये देखो कलर भी कितना जा रहा है यार, ये बार बार मेरा ब्लर क्यों हो रहा है मम्मा। एक मम्मा आपसे मिलाना है मैंने गाइस को यार प्लीज। ये देखो यार मेरा नेल टूट गया, मैं क्या करूं, ये यार ये फोकस नहीं हो रहा, ये खास से मेरा बार बार, ये देखो यार अब मैं क्या करूं, अब मैं ना इनको काट सकती हूँ ना कुछ, दूसरे हाथ के रख लूंगी, क्या करूं। ये रखा मेरा, आओ ना इधर, बात करवानी है मैंने आपकी गाइस से। तो अभी देखती हूँ यार शाम को कोई प्लान है। और एक चीज़ और बताती हूँ, पापा ने बोला था तेरे बर्थडे पे मैंने गिफ्ट देना है, और गिफ्ट क्या था पापा ने बोला था, जो यहाँ के लोकल हैं उनको पता होगा रियासी से जम्मू तक कितना डिस्टेंस है। शायद मम्मा कितने किलोमीटर है रियासी से जम्मू, मम्मा 80-84, उससे भी ज़्यादा है। तो पापा ने बोला था कि मैं देखो ना गिफ्ट दूंगा, मैं ना मतलब रनिंग करूँगा वहाँ से वहाँ तक जाऊँगा जम्मू तक रियासी से। पर पापा ने फिर मतलब शादी में 10 दिन से रनिंग नहीं की थी, फिर पापा ने बोला कि मैं कटरा तक जाऊँगा, और कटरा तक भी कितने किलोमीटर है मैं अभी देख के आपको बताती हूँ। और पापा सुबह 5 बजे निकल गए थे, अभी 12 बजे रहे, घर पे नहीं आए, पर 8 बजे वो पहुँच गए थे रनिंग करते करते। और अब भी लेके गया था गाड़ी और पापा उसके साथ साथ में भाग रहे थे। यार पापा की इतनी टेंशन हो गई ना मुझे, मैंने कॉल की पापा को, पापा बोलते बेटा मैं पहुँच गया हूँ, तेरा गिफ्ट दिया है मैंने। 6 बजे गए थे और 8 बजे पापा पहुँच गए कटरा, पता नहीं मतलब सच में यार मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, पर टेंशन भी होती है। प्रिया दीदी कॉल करके बोलती, पहले मैं होती थी मैं मना करती थी, तुम लोगों ने मना नहीं किया, प्रिया जी जाने नहीं देती थी इतनी दूर दूर ना पापा को, पापा इतना रन करते हैं ना यार, मतलब क्या ही बोलूँ। और मैं पता नहीं किस पे गई हूँ यार। और यार ये देखो ये हाथ कितना अच्छा लग गया, और मैं सोची थी एक दिन बच जाए बस एक दिन। अब देखो शादी हो गई है, फिर मैंने सोचा आगे भी व्लॉग्स कंटिन्यू रखती हूँ ना, मुझे भी दिखाना है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है,
क्योंकि अभी मैं इतनी जल्दी शादी तो नहीं कर सकती, हम जो नॉर्मल व्लॉग्स हैं वही चलेंगे, पर वो भी बड़े एक्साइटेड होंगे, उसमें भी मैं प्रिया दी के साथ साथ रहूंगी क्योंकि प्रिया दी यहीं पर है और प्रिया दीदी और भी अपने चैनल के लिए व्लॉग्स बना रहे हैं, घूमने गए हैं, बट अभी वो आके अपलोड करेंगी, तब तक ये वाला अपलोड हो गया होगा, फिर जाके उनके चैनल पर भी जरूर देखना, ठीक है, बहुत मजा आएगा, मतलब सारी साइड सब ब्लॉगर बन गए हैं हम। किचन यहाँ शिफ्ट की थी तो यहाँ से अभी हिलाई नहीं है नीचे। मम्मा देखो, मम्मा शादी में क्या मजा आया आपको? मम्मा बीच बीच में आई नहीं क्योंकि यार मम्मा लोगों को बहुत काम होता था और मेरा भी व्लॉग किसी ने पकड़ा था। मम्मा बारात में लास्ट में मैंने आपकी फोटो लगाई थी बारात में ना, क्योंकि आप मुझे दिखे ही नहीं, कितना हौच पौच हो रहा था, सब कुछ आपको पता है ना, मैंने आपको समझा दिया। कोई बात नहीं बच्चे, बहुत बड़ी ज्यादा आई भी हूँ मैं व्लॉग में, क्यों नहीं आई हूँ। हाँ आप लोगो ने इतना अच्छे से सब अरेंज किया था, हाँ बहुत खुशी हुई। और मैंने पूरी शादी दिखाई, देख रही हूँ धीरे धीरे से मैं भी, क्योंकि बीच में बिजी रहे, मैं सुबह उठ रही हूँ, मम्मा ना व्लॉग लगाए हुए हैं, मैंने कहा यार मेरी आवाज आ रही है कहीं से, अभी मम्मा तो बना रही हैं, आज रिया का बर्थडे है, हाँ देखते हैं कुछ सोचते हैं दिमाग में शाम को, पहले सोचना पड़ेगा ना क्या करना है। केक तो कट कर दिया मैंने रात का, और ये देखो ये जो मेरा दुख है ना, थोड़े बताना है हमने, अच्छा सरप्राइज, ये देखो यार, फिर मुझे तैयार होने के लिए बोल देना, लेकिन पुराने कपड़े डालने होंगे, ये देखो यार मेरा नेल दुख लग रहा है, पुराने बहुत सारे नए हैं, लेकिन शादी वाले थोड़ी पहनूंगी, शादी वाले नहीं पहन, ये देखो दुख, ओह माय गॉड, दुख दर्द पीड़ा, ये जो मेरा नेल निकल गया है, मुझे भी दुख होगा इसके नेल, है ना मम्मा, आज के लिए तो बच जाता ये, इतने अगर जोड़ती रहती ना इसके नेल, जो ओरिजिनल भी इतने बड़े आ जाने, हाँ पर मैंने सोचा कि इस बार लगवाऊंगी मैं। चलो ठीक है गाइस, सब खाना बनेगा, खाएंगे गाइस, आपकी सपोर्ट इतनी है ना, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, चल रही है लिया की, आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो और ज्यादा सपोर्ट करना, थैंक यू मम्मा। इसका निकनेम गोलू भी है मम्मा ने आज बर्थडे का स्टेटस जानबूझ के गोलू डाला, लोगों को पता चले, इसका बचपन से हमने गोलू डाला हुआ है, हमें बड़ा प्यारा लगता है इसका नाम। चलो ठीक है, ये गोला गोला थी ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके। हेलो बी, तो आ गया, सुबह 5 बजे के गए हैं ये, और पापा ने मुझे गिफ्ट ये देना था कि पापा ने यहाँ से कटरा तक रनिंग करनी थी, और पापा कहाँ पे हैं, बर्थडे तो विश कर मुझे, तेरे को रात को ही कर दिया था, हाँ केक काटा था तूने, पता है मुझे केक कटवाए थे, अभी थक गया हुआ मुझे लगता है, कोई बोलने की हालत में, आइए आपका ही इंतजार हो रहा था, आप पकड़ो पकड़ो पकड़ो, व्लॉग पकड़ो उठ के, पहले पापा को थैंक यू तो बोलूंगी, पापा ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया पर इसकी जरूरत नहीं थी, और मैंने बोला था इतना आपको नहीं भागना था, नहीं, जो लोकल है ना उनको पता है कटरा तक कितनी, पापा कितना डिस्टेंस है, पहले देखने दो बन रही है कि नहीं, पहले थोड़ी कट गई पीछे से, बन रही है, अब बन रही है, हे भगवान, बंद की थी आपने, मैं कह रही हूँ पापा ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, और पापा कटरा तक रनिंग करते हुए गए थे, और अब आ रहे हैं 1 बजे, मतलब तो लग रहे हैं इतने फ्रेश, तो लग रहे हैं, फिर से गए थे, फिर से फ्रेश होके आए हैं वो, अच्छे पापा ने प्रॉमिस किया था तेरे बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा, और ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कितने किलोमीटर है? 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर इस एज में भाई, मानना पड़ेगा भाई, आपको मानना पड़ेगा, फिट बंदा। देखो देखो कौन आया है मुझसे मिलने के लिए, ये लड़की चली गई थी घर, और मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, निशु तो बीमार हो गए, निशु आ नहीं पाई, ये भी बीमार है, अपना हैंकी साथ में लेके चल रही है, बट ये आई है मेरे लिए ना, आजा मैं तुझे हग करती हूँ ऐसे नहीं वीडियो के लिए, नहीं मैंने इसको पहले भी किया था पर वीडियो नहीं बना पाई और कुछ कहना चाहोगी, कुछ कहना चाहोगी, गला दर्द कर रहा है मेरा, बर्थडे विश करना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे गैलेंसी, ये बार बार आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है तमन्ना आरज़ू। चलो और मेरे साथ क्या होगा इसे भी दिखाती हूँ मेरा भी टूट गया, नहीं तो ओरिजिनल टूटा है, तो ये सोच में शादी में ही मतलब बर्थडे पे ऐसा होना था, इतना बड़ा दुख मैं झेल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ तू ये बता, इनको मैं कट नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती, इधर से उकड़ेंगे नहीं क्योंकि दर्द होगी, क्या करूँ अब मैं,
मेरा तो इस पे बो था ना, इसलिए निकल गया ये बो, फंसा ना यहाँ पे। जैकेट में पूरा होल ले लो यार, देखो लग गई कैसे चीज बस से। यार पिज्जा खा रहा हूं चीज बस। रोहन आया पहले फटाफट हग किया, एक देख एक साइड से निकाला मैंने कहा व्लॉग बनाती हूं पहले। ये वही शख्स है जो हर दिन उसमें दिखा हुआ है ना व्लॉग में, इसी चालू तो गाइस इसी हुडी में दिखा हूं। रोहन मेरे लिए ये लेके आया बर्थडे के। थैंक यू बड़ा वाला दिखाया नहीं आपने, पर इसकी क्या जरूरत थी यार। यार आ रहा था मैं ऐसे ही, क्या जरूरत थी। ले लो आप जेब में डाल लो, जेब में पहुंच जाएंगे, जेब में पहुंच। ना ना यार आम पापड़ तो अब अमीरों वाला हो गया यार, मुंह नहीं खोल सकता यार मेरे। मैं कह रही हूं आम पापड़ क्या हिसाब है यार, पता नहीं ये टिकियां है वही तो बोल रही हूं अमीरों वाला हो गया बड़ा। ये देखो गाइस लड़की का जुगाड़ बेचारी, हाय हाय मुझे इतना तरस आ रहा है। मैं तो मेरा भी टूट गया, बट नेल रखा था मैंने, पर आज का दिन निकालना यार मैंने ना इसके ऊपर ही टेप लगा दी। अब पता लग रहा है क्या? नहीं टेप लगा दी, बैंडेज तक नहीं थी मेरे। व्लॉग में भी दिखा रही है कि मेरा नाखून टूट गया है, मैं ऐसे बन के जा रही हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ यार मैं। हम दोनों जा रहे हैं पार्टी करने, पार्टी करने, गर्ल्स पार्टी करने जा रहे हैं हम। तो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ी सी मिनी पार्टी करने, पार्टी भी नहीं है मतलब जस्ट ऐसी थोड़ा सा इंजॉयमेंट। बेचारी को स्कूटी चलानी पड़ती है क्योंकि मुझे आती नहीं है, वो बाइक आ रही है पीछे से। हाँ ये लगी कैसे, ट्रेजेडी हो गई। तो गाइस हम जा रहे हैं स्कूटी से। यार रियासी भी अच्छा लग रहा है यार, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। रियासी अच्छा नहीं है क्या? अच्छा तो है, सुंदर है रियासी। गाइस हम पहुंच गए और अंकू ने बोला इस बार ना किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं क्योंकि जीजू भी वहाँ नहीं है और अच्छी फीलिंग नहीं आई यार, जीजू नहीं है वहाँ पे। तो हम कहीं और, पहली बार जा रही हूँ मैं कहीं और किसी रेस्टोरेंट में, वो भी रेस्टोरेंट में इस बंदी के कहने पे। और जीजू ने देखा ना व्लॉग में कितना बुरा लगेगा, वो बोलेंगे मेरी एब्सेंस में क्यों नहीं गए तुम लोग। तो सॉरी जीजू, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ अपना दिल मना के यहाँ पे। पता क्या यार, मतलब किसी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और फिर हम ऐसे बोल रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, इन्होंने कोई सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए, बट मैंने केक देख लिया है जिसे मैंने रात को भी देख लिया था। और अभी मैं यही कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि सर्दियों वाले कपड़े निकालने नहीं है यार, और मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने ये ऐड ऑन कर लिए, ये एसेसरी और ये अभी, ये मेरी गंदी भी हो चुकी है पर मैं फिर भी ऐसे ही जा रही हूँ। एंड मम्मा पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं, मम्मा पापा मैं और ये केक प्रिया दीदी की तरफ से और जीजू की तरफ से आया है। ये मैंने आते ही देख लिया। हाँ अभी की तरफ से, सबकी तरफ से है, सबकी पूरा नहीं है, हाँ सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। हंस ले, अच्छा लग रहा है यार, पूरा अच्छा लग रहा है। आपको लिया ही नहीं वीडियो में, नहीं लिया तो ले। पापा जी थक गए हैं सुबह की इतनी रनिंग करके। नहीं थकते हैं भाई, वो नहीं एनर्जी देखो फिर भी ऐसे एनर्जी। चलो चलो अंकु आ जा। ये लड़की है ना मेकअप करने शुरू हो गई थी, अमन ढंग से देखा भी नहीं है कुछ बेचारा, मेकअप कर रही थी और लेट कर गई। हां मुझे दिखाएगा कोई नहीं, बर्थडे गर्ल है, बाल भी नहीं। बर्थडे गर्ल अपना केक खुद ही पकड़ के जा रही है बेचारी। खोलो ना अच्छे से खोलो, ऐसी सबको दिखाओ। वो तो देख रही हूँ, कुछ पढ़ा मैंने। तभी मैंने बोला वीडियो लेते हैं। Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
पिक अब काटिंग रुको थोड़ा सही है ठीक है बर्थडे आपका अब आपको खाए ना अभी खा मेरा नेल नहीं झड़ जाए हैप्पी बर्थडे बच्चा ग्रेट आई एम प्राउड ऑफ यू बस इतना कर दो हां हां पापा चाहते नहीं मम्मा बकरी हो नहीं नहीं बस चलो सब वीडियो ऑन हो गया अपने आप खाएगी मम्मा मम्मा निराश क्यों हो गई मैं बंद कर दे रहा जबरदस्ती यो कर बंद कर दे रहा खोली पाई जबरदस्ती भाई केक बंद कर दिया ना मैं नहीं खाती हूँ केक थोड़ा खाओ ना पापा की ला रहे और खा लो जी आ रहे हैं अब मम्मा वीडियो ऑन है सब देख रहे हैं खा लो खाना बना दिखा दिन का दिन नहीं क्या चल रहा है काम कर रही हो कैमरा खुलते ही मैं नहीं खाती देख लो भाई मेरे मम्मा पापा कितने क्यूट हैं खाना आ चुका है गाइस अब यकीन मानोगे हम कहाँ इन्होंने मुझे ड्रेस भी नहीं पहनने दी है इसी अटायर में मैंने खुद पहनी मम्मा पापा को छोड़ दिया हमने वहीं पर बोला कि आप खाओ अंकू ने बोला एक शादी अटेंड करनी है तो हम लोग ऐसे आ गए मैं अब भी और यहाँ पे कुछ दिन कैन यू इमेजिन कुछ दिन पहले हमारी बहन की शादी हुई है यहाँ पे यहाँ से एंट्री हुई थी प्रिया दी की खा रहे हो इट्स माय बर्थडे ब्रो और इतनी यार इतनी बड़ी पार्टी थ्रो कर रही हो अपने बर्थडे की इतनी बड़ी जो खाना है तुझे खा ये किसी के वेडिंग का फुटेज खा रही है कह रही किसी के वेडिंग का फुटेज खा रही है मैं तो ऐसे आ गई यार मतलब इधर इतने सारे लोग दिख रहे हैं अभी केक काट के आई हूँ हैप्पी बर्थडे मिस इन्फ्लुएंसर और मिस इन्फ्लुएंसर की शक्ल देखो तूने कर लिया था मेकअप मैंने मेरी लिपस्टिक भी खराब हो गई है चल कॉपीराइट आएगा गाने आ रहे हैं पीछे अंकू क्या हुआ बोल इन्होंने मुझे तैयार नहीं होने दिया और मैं ऐसे एम्बैरेस्ड होके आई हूँ ना और मैं कह रही हूँ जल्दी बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो भाई हमने तो खाया अच्छे से खाया क्या ही खाया हमने तो खाया भाई अच्छे से ब्लर आ रहा है वैसे चुप रहे क्या अच्छे लग रहे बिना बाइक के जाना है क्या अभी वहाँ बाइक के बिना भी जा सकती मुझे तो ठंड लग रही है भाई मुझे घर जाके अब सोना है बस तो गाइस ये बना के गई थी मुझे मन कर रहा गलो घूम यार इतनी अच्छी लग रही थी देखना गाइस कमेंट करना ठीक है इतनी प्यारी लग रही थी मैं देखो मेरा बर्थडे है मेरी बहन ही घर पे नहीं थी मेरा मन ही नहीं किया कुछ भी रेडी करने का चलो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और तो ऐसे ही पीछे बड़ा रहता है ना मेरे चल चल बैठ जल्दी मेरा नंबर लास्ट में आता है तूने क्यों देख रहे तू मुझे रोज देखता है क्यों देखेगा तू मुझे क्या हुआ तो गाइस